फिरोजाबाद की बेटी योग शिक्षिका अर्पिता राठौर और सुमन राठौर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाकर अपने प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड के लिए नॉमिनेशन राजस्थान से एनएपीएस योगा सेंटर के संस्थापक युवाचार्य नरेश कुमार सैनी ने किया था। इस वैश्विक स्तरीय इवेंट में अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से 1009 प्रतिभागियों ने भाग लेकर सामूहिक विश्व कीर्तिमान को रचने में अपना योगदान दिया। दो सगी बहनों ने योगा से अपनी बीमारियों को दूर कर अन्य लोगों को भी निरोग बनाने की ठान ली और अपने योगा के प्रति अपनी रुचि बढ़ाते हुए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कराकर मेडल व सर्टिफिकेट हासिल किया। मेरी दीदी ने किया अर्पिता योग शिक्षिका, अभी दो दिन पहले मेरा आया हुआ है, इसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। अदर्स देशों से भी काफी लोगों ने इसमें भाग लिया है, इस यूपी से, उत्तर प्रदेश से हमने भी लिया है, इस भारत से काफी देशों से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम दोनों लोग योगा का अभ्यास किया करते थे, शाम को, सुबह जब भी टाइम मिलता था तब। तो हमारी जो बीमारियां थी, पेट में दर्द हुआ करता था या फीवर आना या कमजोर हो जाना, उसके अलावा हमारी बॉडी में वीकनेस होना, तो योगा के माध्यम से हमने सीखा हम स्वस्थ रहे। इसके अलावा हम धीमे धीमे आगे बढ़े, लोगों को भी योगा सिखाया, वो भी स्वस्थ रहे। अब हम बस ये चाहते हर घर में योगा पहुंचे, हर व्यक्ति योग करे, योग करके स्वस्थ रहे। और मेरी भाभी ने इंडिया वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है उनका, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इतना काम नाम कमा रही है, मुझे भी आगे बढ़ा रही है, मुझे भी सिखाती है, मैं भी सीखती हूँ।